दोस्तों, महादेव भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, और यदि उनकी कृपा एक बार हो जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, बेजान पत्थर में भी जान आ जाती है। और दोस्तों, ऐसे ही एक शिव महिमा देखने को मिली दिल्ली के सीलमपुर में, जहां अचानक से शिवलिंग हवा में उड़ने लगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में हमें बताया दिल्ली के सीलमपुर गांव में रहने वाले ओम प्रकाश जी ने। जब दिल्ली का सीलमपुर गांव पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, वहां के लोग खेती करके अपना घर परिवार चलाते थे। उन्हीं खेत में महादेव भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में स्वयं माँ पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। दोस्तों, ओम प्रकाश जी बताते हैं कि गांव के सभी लोग अपने काम पर जाने से पहले इस मंदिर में अपना माथा जरूर टेकते हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग अपने कामों में इतना बिजी हो गए कि उस मंदिर में आना जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहाँ पाप भी बढ़ते गए। दोस्तों, बात 1997 की है, जब सीलमपुर गांव विकसित होने लगा। सीलमपुर को विकसित देख वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है, जिसकी पूरे भारत में 10 से ज्यादा कंपनियां थी और वो बहुत ही अमीर था। उस बिजनेसमैन ने सीलमपुर में 50 एकड़ जमीन खरीद ली। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि जब उसे पता चला कि उसने जो जमीन खरीदी है उसमें एक शिव मंदिर है, बिजनेसमैन ने उस मंदिर को तोड़ने का सोचा, क्योंकि वो अपनी जमीन में एक बड़ी फैक्ट्री और एक आलिशान मकान बनाना चाहता था। एक दिन बिजनेसमैन की पत्नी ने उस मंदिर की जगह अपना बंगला बनाने की जिद पकड़ ली। फिर क्या था, वो बिजनेसमैन अपनी कंपनी के 30 से 40 मजदूरों को लेकर उस प्राचीन शिव मंदिर पहुंचता है। शिव मंदिर पहुंचते ही उस बिजनेसमैन ने अपने मजदूरों को मंदिर तोड़ने के लिए कहा। सभी मजदूर मंदिर को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो अचानक से जोरों से बारिश होने लगी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, मानो जैसे बादल फटने वाले हों। ये सब देखकर सभी मजदूर कांपने लगे। सारे मजदूर वहां से भाग गए। फिर दूसरे दिन उस बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी के बुलडोजर से इस मंदिर को गिराने का फैसला किया। जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, अचानक वो बंद हो गया। बहुत कोशिश की गई, बाद में वो चालू नहीं हो सका। ये सब देख उस बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आया। उसने हथौड़ा उठाया और मंदिर के मुख्य दरवाजे पर दे मारा। जैसे ही मंदिर का दरवाजा टूटा तो मंदिर में स्थापित शिवलिंग अचानक हवा में उड़ने लगा। उस शिवलिंग से तेज रोशनी निकलने लगी। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि जिसने भी उस रोशनी को देखा वो कुछ पल के लिए अंधा हो गया। मजदूर के साथ वो बिजनेसमैन भी शिवलिंग के प्रकोप को सहन नहीं कर पाए और वहां पर बेहोश हो गए। अगले दिन जब होश आया तो वो भागा भागा अपने घर गया। उसकी पत्नी भी बेहोश हालत में पड़ी थी। ये देखकर वो बिजनेसमैन बहुत डर गया। जल्दी से उसे अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल में जब उसकी पत्नी को होश आया तो वो कहने लगी, हमारे घर बहुत बड़ा और डरावना सांप घुस आया था, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई थी। पत्नी की ये बात सुनकर बिजनेसमैन सोच में पड़ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप किस सोच में पड़ गए। तब उसने बताया कि जब से हमने उस शिव मंदिर को तोड़ने के बारे में सोचा है, तब से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। हमारी कंपनी भी बहुत घाटे में जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। आज तुम भी बेहोश हो गई। हमने शिव मंदिर को तोड़ने के बारे में सोचकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब हम इस गलती को सुधार लेंगे। हम मंदिर को तोड़ने नहीं बल्कि इस मंदिर को नया बनाएंगे। इसके बाद उस बिजनेसमैन ने शिव मंदिर का निर्माण शुरू तो कर दिया, लेकिन उस मंदिर में शिवलिंग नहीं था। ओम प्रकाश जी बताते हैं कि आज भी उस मंदिर में शिवलिंग नहीं है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी अनसुनी और सच्ची कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।